स्प्लिट एंड्स या दो मुहे बालों को घर पर कितनी आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है, कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बालों से रिलेटेड, काफ़ी दिन हो गए बालों से रिलेटेड कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स, बालों की प्रॉब्लम्स, और स्पेशली सर्दियों में जो स्किन और बालों की जो प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उन पर पहले मैं वीडियोस बना लूँ, क्विक क्विक से वीडियोस, ताकि वो सर्दियों ही में आप उनको हैंडल कर सकें उन प्रॉब्लम्स को। अदरवाइज़ सबकी फरमाइशें पूरी होंगी, सारी वीडियोस बन रही हैं, बिल्कुल तसल्ली रखिएगा। और जैसे जैसे वीडियोस बनती जा रही हैं, मैं अपलोड करती जा रही हूं, तो अगर मेरे देखने वालों में से किसी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के बेल को प्लीज़ ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि वो जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ इतनी आप लोगों के लिए, तो वो आप देख सकें। वैसे जितनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है आप उतने प्यार से और इतने ही तवज्जो से मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, आज स्प्लिट एंड्स की बात करते हैं बालों की, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं पड़ रही थी जब कॉमेंट्स में, तो स्प्लिट एंड से रिलेटेड बहुत सारे कॉमेंट्स थे। जब सर्दियाँ आती हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वजह ये है ड्राई वेदर और मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है बालों का, पानी भी हम बहुत कम पीते हैं, साथ साथ सर्दियों की वजह से हम थोड़े से गर्म पानी के साथ नहाते हैं, उससे भी स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। हम जब स्टाइलिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं और बग़ैर हीट प्रोटेक्टिंग लगाए, तो उससे भी स्प्लिट एंड्स होते हैं, और हार्श केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जो डाइज हम यूज़ करते हैं, जो हेयर डाइज जो लगाते हैं ना, कभी कभी मेरा दिल करता है कम्प्लीट एक वीडियो बनाऊँ मैं, जिसपे मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से हेयर डाइज जो हैं वो बालों को कम नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान तो ज़ाहिर है सारे हेयर डाइज पहुँचाते हैं ऑनेस्टली, लेकिन कुछ हेयर डाई ऐसे होते हैं, हेयर कलर्स जो कम नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी, बताऊँगी, तो उन नुकसान से तो बच जाएँ जो हेयर डाई की वजह से होते हैं। तो बहरहाल मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहा करें किस किस तरह के वीडियोज़ आप चाह रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है। अच्छा, स्प्लिट एंड्स की बात कर लेते हैं कि स्प्लिट एंड्स की, जैसे मैंने कहा कि रीजंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट एक तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप ट्रिम करवा लें वालों को हर 2-3 महीने बाद, तो उससे सारे स्प्लिट एंड्स निकल जाएंगे, जो कि आजकल वो भी लॉकडाउन की वजह से सलोन्स में जाना भी ज़रा ख़तरनाक है। तो लेकिन डोंट वरी, मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना हेयर कट वाली, नज़र आ रही है, मैं लिंक भी शेयर कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, तो उसे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो उस वीडियो में बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से बालों को आप ट्रिम कर सकते हैं। मैंने तो उसमें काफ़ी 3-4 इंचेस अपने बाल काटे थे, लेकिन आप छोटे छोटे से बाल भी काट सकते हैं, थोड़े थोड़े से ट्रिम कर लिया करें बालों को। और उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है, उस वीडियो की जो टेक्निक है उसमें बालों की लेंथ ज़्यादा नहीं कटती है, तो उससे भी आप बच जाएंगे। अच्छा, कुछ स्प्लिट एंड्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल दरख की शाखों की तरह होते हैं, 1-2 मुंह नहीं होते हैं उसके, 3-3, 4-4 मुंह निकल रहे होते हैं, अजीब किस्म के सांप की तरह इधर उधर, उससे प्रिवेंट किया जाए बालों को कि वो ज़्यादा बने ही ना स्प्लिट एंड्स। तो उसके लिए आपको अपने बालों को घर में ट्रीट करना पड़ेगा। आज इस जो शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ होममेड ट्रीटमेंट स्प्लिट एंड्स की, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक शैम्पू करने से पहले आपको करना है, एक शैम्पू के बाद करना है। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि शैम्पू करने से पहले आपको बालों को किस तरह से ट्रीट करना है। इसके लिए मैं एलोवेरा का फ्रेश प्लांट ले रही हूँ। अगर आपको फ्रेश प्लांट ना मिले तो फिर आप एलोवेरा का मार्केट वाला जेल यूज़ कर सकते हैं जो ट्यूब्स में अवेलेबल है, लेकिन फ्रेश प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये है बटर यानी मक्खन, और इसके अलावा कैस्टर ऑयल की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये मेरे पास है प्योर नेचुरल रॉ हनी, ये क्रीम्ड हनी होती है, इसलिए ये ज़रा थिक फॉर्म में होती है इस तरह से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही वाली शहद यूज़ करें, आप कोई से भी प्योर शहद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसके अंदर चीनी मिली हो, वो खालिस शहद हो। और अब एलोवेरा का जो फ्रेश प्लांट होता है उसका जेल निकालना बहुत ही आसान होता है, इस तरीके से मैंने पहले भी शेयर किया है कि सिंपली आपको इस तरह से कट्स लगा लेने हैं प्लांट के अंदर, तो ये बहुत आराम से आपको ये जेल मिल जाएगा। अच्छा, अब इस जेल को सबसे पहले हमें ब्लेंड कर लेना है किसी ब्लेंडर में, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ये देखें अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है बटर, इसको मैं 20 सेकेंड्स पर माइक्रोवेव में ज़रा सा मेल्ट किया है मैंने इसे, और अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून एलोवेरा का जेल ऐड कर रही हूँ जो हमने ब्लेंड किया है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून प्योर शहद यानी प्योर हनी।
अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब ये मिक्सचर हमारे बालों के शेफ्स को बहुत नरिश करेगा और हमारे स्प्लिट एंड्स को स्मूथ बनाएगा। अब सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लें, बालों में कोई भी टेंगल ना हो, और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। छोटे छोटे से सेक्शंस लेने हैं आपको बालों के, पतले पतले से उसमें आपको ये लगाना है। और बेसिकली आपको रूट्स पर नहीं लगाना है इसको, सिर्फ आपको स्प्लिट एंड्स होते हैं वो, और जो हमारे बालों के जो एंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दो मुहे हो जाते हैं, तो उस पर इस तरह से आप छोटे छोटे से सेक्शंस लेके और आप ऊपर से नीचे तक उसको बालों को इस तरह से टेम करना है, बालों को स्मूथ करना है। उनके जो शेफ्स होते हैं जो दो मुहे बाल होते हैं उनको आप लगाते जाएं और इस तरह से स्मूथ करते जाएं बालों को। स्पेशली इसे एंड्स पर अच्छी तरह से लगाइएगा। और अब आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा भी लगा सकते हैं, दो दफ़ा भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके कितने ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं। इस तरह से सारे बालों में जब आप लगा लें तो फिर आप अपने बालों को हल्के से बांध दीजिएगा। अच्छा, ये आपको बालों में एक से दो घंटे लगाए रहने देना है, ये एक पार्ट है इस ट्रीटमेंट का। अब इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले वंस अ मंथ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बालों की डीप कंडीशनिंग और बालों की प्रोटीन ट्रीटमेंट, जो कि दोनों मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। वीडियोज़ नज़र आ रही हैं उसे देख लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, और साथ ही साथ ये जो स्प्लिट एंड्स की जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसी के साथ आप चाहें तो रूट्स में अपने बालों के आप ऑयल भी लगा सकते हैं, तो दोनों साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप चाहें तो। तो बहरहाल ये करने के बाद एक दो घंटे के बाद आपने अपने बालों को शैम्पू कर लेना है, कंडीशनर लगा लेना है। और अक्सर आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछते हैं कि कंडीशनर क्या हर दफ़ा शैम्पू करने के बाद लगाया जाना चाहिए। मैं हर दफ़ा लगाती हूँ, मुझे बाल मेरे बहुत सॉफ्ट होते हैं और कंडीशनर हर दफ़ा लगाना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो कंडीशनर लगा लिया आपने, उसके बाद आपने बालों को ड्राई कर लिया, या तो टॉवल ड्राई कर लें या हल्के से एयर ड्राई कर लें, थोड़े से आधे गीले आधे ड्राई हों। उसके बाद क्या करना है आपको वो देख लीजिए। अब मैं बना रही हूँ होममेड लीव इन कंडीशनर। अब इसके लिए सिंपली हमें हाफ कप पानी चाहिए और उसके अंदर जो एलोवेरा का जेल हमने ब्लेंड किया था उसका एक टीस्पून आप ऐड कर लीजिए। और साथ ही ये कंडीशनर है, ये वो कंडीशनर है जो हम शैम्पू के बाद अपने बालों में लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा आपको लेना है और इस पानी के अंदर मिक्स करना है और इसे किसी स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर और अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें। आप जितना इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, शेक करेंगे और ये इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और ये तैयार हो गया हमारा लीव इन कंडीशनर। अब आप नहाने के बाद यानी शैम्पू और कंडीशनर लगाने के बाद जब आप टॉवल ड्राई करते हैं बालों को, हल्के हल्के गीले होते हैं बाल, तो उनमें आपको ये थोड़े थोड़े से सेक्शंस लेने हैं और उनको दूर दूर से इस लीव इन कंडीशनर को लगाना है, स्पेशली इस जो हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं उन पर लगाना है दूर दूर से और उनको स्मूथ करना है ये ऊपर से नीचे तक इस तरह से। तो ये सिंपली ये हमारा हो गया लीव इन कंडीशनर। इसको आपको पूरे बालों पे नहीं लगाना है, रूट्स पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपने स्प्लिट एंड्स पर दूर दूर से स्प्रे करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बालों को इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा करना है ताकि उसके जो फटे हुए जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए, सही। और ये बाय द वे बुरा नहीं होता इसको लगाया लीव इन कंडीशनर को लगाना, जो मार्केट में आप देखते हैं ना लीव इन कंडीशनर वो इसी तरह के होते हैं। तो इसके बाद आपको बालों को नहीं धोना है, फिर ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे और फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल स्प्लिट एंड्स जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको हम कभी कभी जल्दी जल्दी में बालों को ड्राई करते हैं ना, तो बालों का जो हेयर ड्रायर का जो नोजल होता है उसको हम ऊपर रखें ना यूँ और वो कर रहे होते हैं तो बाल फट जाते हैं, तो उसको हमेशा ऊपर की तरफ से उसका मुँह नीचे की तरफ होना चाहिए नोजल, और फिर आप बालों को ड्राई किया करें ताकि आपके बाल नीचे की तरफ सारे वो उनका जो जो एंड्स हैं वो फट ना जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, उसके भी ज़रूर आप इसका ख्याल रखिएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, बाल बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि गज़ल आपकी वीडियोस देखने के बाद हम अपने बालों का ख्याल रखने लगे हैं, हम अपना ख्याल रखने लगे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी पर सोचते हैं कि किस तरह से हम खुद को टाइम दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये करते रहा करें, ठीक है जी। आप जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और साथ ही अगर आप चाहें तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम की जो मेरी फैमिली है उसको भी ज्वाइन करें, मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ भी देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोज़ नज़र आ रही हैं इन्हें भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।